रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में पिछले 100 दिनों में अभूतपूर्व काम हुए हैं, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। भारत सरकार के जो 100 दिन के कार्यक्रम को भी पूरा किया गया है, टारगेट सिर्फ लक्ष्य मीट नहीं किए गए, उनको सरपास किया गया है, ये भी अभूतपूर्व कार्य है। श्री चौधरी ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में भी 100 दिनों में विशेष पहल हुई है और 5,00,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए भी सरकार सतत प्रयत्नशील है। ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए भारत सरकार बहुत गंभीरता से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यरत है। बजट में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें 63,000 गाँव 5 करोड़ आदिवासियों के गाँव के लिए, क्योंकि उनके गाँव में मूलभूत ढांचे बुनियादी विकास नहीं हो पाया, सड़क विद्युतीकरण पीने का पानी सारी व्यवस्थाओं को कन्वर्जेंस के साथ संतृप्त करने के लिए पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड समेत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। उद्यमशीलता विकास और कौशल प्रशिक्षण पर भी केंद्र सरकार का जोर है। हमने बताया इनको कितना कुशल कारीगर, कितना मेहनती कारीगर हमारे पास झारखंड में, हमारे बच्चे कितने कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो आज इनके प्रयास से कुछ अब शुरू होगा। इस दौरान दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और समावेशी विकास का संकल्प दोहराया। रांची से सहयोगी विकास के साथ शिवानी की रिपोर्ट।